स्वागत है आपका साउल सी रॉयल कुकिंग में। आज हम लाए हैं आपके लिए वेट लॉस मेन्यू प्लान सीरीज की डे 17 की रेसिपी। तो चलिए हम डे 17 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एप्पल ओट्स पैनकेक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें एक बाउल ओट्स डालकर पीस लेंगे, फिर इसे एक बाउल में डाल देंगे, फिर एक टेबलस्पून जैगरी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, हाफ बाउल चॉप्ड एप्पल और हाफ ग्लास स्किम मिल्क डालकर अच्छे से मिलाएंगे। फिर इस थिक बैटर को एक मिक्सचर जार में डाल देंगे और दोबारा से पीस लेंगे। लास्ट में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फिर एक पैन को गरम करेंगे और उस पर कुछ इस तरीके से इस बैटर को फैला लेंगे। और चॉप्ड एप्पल से गार्निश करेंगे। हमारा यम्मी एंड डिलीशियस एप्पल ओट्स पैनकेक बनकर तैयार है। इसे आप चाहें तो हनी से भी गार्निश करके खा सकते हैं। मिड मॉर्निंग में हम कोल्सलो सैलेड सर्व करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें एक बाउल कैबेज, हाफ बाउल रेड बेल पेपर, हाफ बाउल कैप्सिकम, हाफ बाउल कैरेट, हाफ बाउल स्प्रिंग अनियन, एक टीस्पून अनियन पेस्ट और स्वाद अनुसार काला नमक ऐड करेंगे। फिर 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स पाउडर, 1/2 बाउल कर्ड, 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कोल्सलो सैलेड बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे और स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। लंच में हम सर्व करेंगे आलू ड्रमस्टिक की सब्जी चपाती सैलेड और लौकी रायता के साथ। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डालकर भून लेंगे। फिर 1/2 टीस्पून राई डालकर इन्हें भी भून लेंगे। 7 से 8 करी पत्ता, 1 टीस्पून लहसुन, 1/2 बाउल अनियन, 1 टीस्पून ग्रीन चिली डालकर इन्हें भी भून लेंगे। फिर 1 बाउल आलू और ड्रमस्टिक भी ऐड करेंगे। फिर 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और दोबारा से मिला लेंगे। फिर 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब जब तक सब्जी पक रही है तब तक हम लौकी रायता बनाने के लिए लौकी को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक पैन में 1 कप पानी डालेंगे और उसमें 1 बाउल लौकी डाल देंगे और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ढककर 5-6 मिनट के लिए रख देंगे। लौकी पकने के बाद इन्हें छान लेंगे। आलू ड्रमस्टिक की सब्जी बन चुकी है। अब लौकी रायता बनाने के लिए हम लौकी को कुछ इस तरीके से कूट लेंगे या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। फिर हम 1 बाउल में इस पेस्ट को डालेंगे और 1 ग्लास दही इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार काला नमक डालकर मिलाएंगे। लौकी रायता बन चुका है। लौकी रायता और आलू ड्रमस्टिक की सब्जी चपाती और सैलेड के साथ हम सर्व करेंगे। मिड इवनिंग में हम साउल टी सर्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक डीप पैन लेंगे, उसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और हल्का सा उबाल आने पर इसमें 1/2 टीस्पून के अराउंड साउल्टी मसाला ऐड करेंगे। फिर 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे।
फिर इसे गरम गरम एक कप में डालकर सर्व करेंगे। डिनर में हम सर्व करेंगे काले चने की चाट। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें एक टीस्पून जीरा, एक से दो सूखी लाल मिर्च डालकर भून लेंगे। फिर एक बाउल बॉयल चना डालेंगे, फिर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे और एक टीस्पून अनियन गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और दोबारा से मिलाएंगे। फिर लास्ट में एक टीस्पून कसूरी मेथी कुछ इस तरीके से मसल कर डालेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। फिर काले चने पकने के बाद हम इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसमें हाफ बाउल बॉइल पोटैटो, हाफ बाउल चॉप्ड क्यूक्यूम्बर, हाफ बाउल टोमेटो, हाफ बाउल अनियन, हाफ बाउल इमली वाटर, हाफ बाउल कोरिएंडर लीव्स डालकर अच्छे से मिलाएंगे। फिर हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ग्रीन चिली डालकर एक बार फिर से मिलाएंगे। हमारी काले चने की चाट बनकर तैयार है। फिर इसे एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। दोस्तों, डे 17 वेट लॉस सीरीज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और डे 18 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।